कि हमारा जो सिस्टम है वो नौकर पैदा कर रहा है ना, काबिलियत नंबर्स की मोहताज नहीं होती है। सिलेबस कंप्लीट कराने की दौड़ में नहीं भागना, नंबरों की दौड़ में नहीं भागना है, रट्टे की दौड़ में नहीं भागना है, क्योंकि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन की एक मशहूर कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। लेकिन क्या ही बात हो कि अगर हम खेल कूद के दौरान ही तालीम हासिल कर लें। मैं हूँ दानियाल रहमान और आज हम आपको लेकर जाएंगे कराची के एक ऐसे स्कूल में जहाँ गेम्स और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को तालीम दी जाती है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि स्टूडेंट को अगली क्लास में जाने के लिए ना तो कोई टेस्ट देना पड़ता है और ना ही कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं। Today we will demonstrate you the Cybernetics project Rubik's Cube, and in this project we will tell you about the properties of sound and how it actually works. नेशनल करिकुलम को ही फॉलो करते हैं। आप लोगों का ये होता है कि जी कोई सिलेबस नहीं है, और किस तरह आप पढ़ाते हैं, बुक्स आपके पास होनी चाहिए और बुक्स के बगैर बच्चा किस तरह पढ़ेगा। नेशनल करिकुलम आपको सारा कुछ बता रहा होता है कि किस एज में किस क्लास में बच्चे को क्या आ जाना चाहिए, उसके बेंचमार्क्स, उसके स्टैंडर्ड्स सब कुछ वहाँ पर मेंशन है। हमारे स्कूल में एक्टिविटीज से पढ़ाया जाते हैं, उसमें कोई बुक नहीं पढ़ाई जाती, उससे हमारे दलीरे जिंदगी की बुक होती है, उससे हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जी आप उसको किताबों की एक पार्टिकुलरली किताब दे दें कि जी ये यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लो और ये पढ़ लो, क्योंकि आप उसकी जो नॉलेज है या जो स्किल्स हैं उसको आप लिमिटेड कर देते हैं ना, एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है। और उसके बाद ये है कि आप रिटर्न में भी आप को काम कराना है तो वर्कशीट्स वगैरह उसके लिए हमारे पास बच्चे करते हैं, और डिफरेंट चीज़ें फिर इसमें वो एक्सप्लोर करते हैं, ख़ुद से करते हैं, क्योंकि और हमारे पास ऐसा नहीं होता कि जी चंद बच्चे ही कुछ कर सकते हैं, चंद बच्चे ही लीडर्स हैं। हम कहते हैं कि जी एवरीबॉडी इज़ अ लीडर, एवरीबॉडी कैन बी अ लीडर। हमने एकेडमिक्स के लिए तैयार करना है उनको, क्योंकि उनको नंबर्स मिल जाएं, क्योंकि आगे उनको नौकरी क्या मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो नौकर पैदा कर रहा है ना, तो नंबर्स काबिलियत नंबर्स की मोहताज नहीं होती है। एक तो वी हैव मिक्स एज ग्रुप ना, लाइक 1 एंड 2 है तो हम उनको बिगनर्स कहते हैं, और 3 एंड 4 है तो हम उनको लर्नर्स कहते हैं, और 5 एंड 6 अचीवर्स, 7 एंड 8 लीडर्स। तो उसमें यही होता है कि जी सीनियर्स जो होते हैं वो जूनियर्स को वेलकम भी करते हैं और उनको ट्यूटरिंग भी करते हैं, और ये एक लर्निंग पैरामिड है कि जी आप सबसे ज़्यादा जो बच्चा रिटेन करता है, हम सीख सकते हैं, कुछ याद रख सकते हैं, वो चीज़ है टीच टू अदर्स। जो बच्चा जो कॉम्पिटेंसी पूरी कर लेता है वो विद इन 6 मंथ्स भी कर सकता है, तो फिर हम उनको नेक्स्ट ग्रुप में प्रमोट कर देते हैं, और वाई नॉट, क्यों नहीं करें। अगर वो बच्चा अगर वो चीज़ कवर कर चुका है तो फिर हम क्यों ज़बरदस्ती उसको रोके रखें। और जो बच्चा थोड़ा सा हमारी उसको ज़रूरत है कि ज़्यादा हेल्प उसको की जाए, ज़्यादा अटेंशन दी जाए, तो उसको हम क्यों ज़रूरी है कि उसको बोले कि नहीं जी 1 साल आपका हो गया है और कोर्स कंप्लीट करना है तो आपने भी इनके साथ भागना है और एक जरूरत पे चढ़ जाना है सबने एक ही स्पीड में। हम जो कहते हैं कि जी फ्लिप क्लासरूम में बच्चा उस टॉपिक को पहले से प्योर नॉलेज लेकर आएगा, इंक्वायरी करके आएगा उसके ऊपर, तो हो सकता है आप कुछ और चीज़ लेकर आएँ, मैं कुछ और लेकर आऊँ, आप कुछ और लेकर आएँ, तो फिर डिफरेंट हम एक नई चीज़ हम हो सकता है सिखा दें। ये भी हो सकता है कि बच्चे हमें कुछ चीज़ सिखा दें, ये भी होता है कि आप बच्चों से भी सीख सकते हैं जो चीज़ वो आपको सर्च कर रहे हैं और उन्होंने देखी है, कोई एक्सप्लोर किए, वो आके आपको बताए कि टीचर आपको ये पता है, हमने ये देखा है। इट हैपन्स, ये होता है कि वो भी कोई नई चीज़ लेकर आ रहे होते हैं कि ये है। अब आप देखें ना, एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि जी किताबें होंगी या टीचर्स पढ़ाएगा तो बच्चों को आएगा, रीडिंग राइटिंग सही नहीं है, टीचर नहीं करा रहे, तो टीचर्स कोई घोल के नहीं पिला सकते। आपका जो है जितना एक्सपोजर होगा उतनी आपकी लर्निंग होगी।
तो इसमें हम ये कहते हैं कि जब 2.5 साल का बच्चा भी हमारे पास स्कूल में आ रहा होता है तो वो कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। अगर उसके घर में इंग्लिश बोली जा रही है, उर्दू बोली जा रही है या सराइकी बोली जा रही है, वो बोलता है, उसे किसी ने सिखाया तो नहीं होता है। मॉडलिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई चीज़ हमें ये नहीं कही करें करें करें, उन्होंने हमें करके दिखाई। ऑब्जर्वेशन की जो बात है वो मैं बताना चाहूँगी कि हुजूर सल्लम ने भी हमारे जब कभी किसी को किसी अहदे पे फाइज किया, सपोज़ हज़रत अली को या हज़रत उमर को, तो उनका उन्होंने कोई टेस्ट नहीं लिया था। उनकी ऑब्जर्वेशंस थी कि जी वो क्या कर सकते हैं और उसके मुताबिक उन्होंने उनको अहदों पर फाइज किया। यहाँ पर भी अब ये चीज़ पता नहीं क्यों हमें समझ नहीं आती है कि जी हमने सिलेबस कंप्लीट कराने की दौड़ में नहीं भागना, नंबरों की दौड़ में नहीं भागना है, रट्टे की दौड़ में नहीं भागना है, क्योंकि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं और आपने उसको अगर आगे बढ़ा दिया है तो वो जो इमारत है तो वो उसकी फिर बुनियाद मजबूत नहीं है। अक्सर लोग ने बोला है कमेंट में कि जी हमारे ज़माने में ये क्यों नहीं था ऐसे स्कूल और अब क्यों है ऐसा होता, तो यानी कि लोग भी ये चाहते हैं कि ऐसा हो, चेंज आए। और एक बात हम कहते हैं कि चेंज स्टार्ट्स विद मी, तो हमने कोशिश की है उसको, अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसको समझ रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि लोग जुड़ेंगे इसके साथ।